नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवी मुंबई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई वासी में अवैध तरीके से फेरी वालों का जमाव फिर से जारी हो रहा है। इसी विषय को देखते हुए नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नितिन कंधारी ने वार्ड ऑफिसर महेंद्र ठोके के ऊपर सवाल उठाया है। पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंडे के आने से वासी सेक्टर 9 की मार्केट में काफी सुधार आया था, लेकिन उनके जाते ही इस तरह का फिर से माहौल बना हुआ है। आखिर क्या है इसकी वजह? 7 फरवरी 2018 मैंने हमारे आयुक्त साहब जो रामास्वामी साहब हैं पालिका के और जो वार्ड ऑफिसर है ठोके साहब, उन दोनों को निवेदन दिया था कि सेक्टर 9 मिनी मार्केट जहाँ पे फेरी वाले बैठा करते थे वो एक्स कमिश्नर मुंडे जी ने वहाँ से हटवा के गुरुद्वारे के पीछे शिफ्ट करवा दिया था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे बैठ सकते थे जब तक मुंडे साहब कुर्सी पे थे। उन्होंने तो सिक्योरिटी गार्ड भी रखे थे कि शाम के टाइम पे नहीं बैठ सके कोई फेरी वाला पालिका के ऑफिसर्स जाने के बाद, इतना देख रेख था। वहाँ के जो रहवासी थे बहुत खुश थे कि उनकी गाड़ियाँ अंदर जा सकती थी, उन लोग आराम से चल सकते थे, बहुत राहत थी उनको। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने जिस दिन निवेदन किया उसके 3 दिन बाद वहाँ पे रेड पड़ी, वो सबको उठाया गया, दोपहर का टाइम था, लेकिन उसी दिन शाम को वापस फेरी वाले बैठ गए। आप फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन समझो कि शबरी वाले रोड से त्रिमूर्ति वाले रोड पे पूरा चले जाओ तो आप आराम से चल भी नहीं सकेंगे, इतने फेरी वाले मेन रोड पे बैठते हैं फुटपाथ के ऊपर। तो जनता कहाँ चलेगी मेन रोड के ऊपर, तो फिर गाड़ियाँ कहाँ चलेगी हवा के ऊपर। तो रामास्वामी साहब को पूरा नवी मुंबई देखना है, वो हर वार्ड में तो जाके नहीं देख सकते। मैंने ठोके साहब से ये भी निवेदन किया था कि वो एक डेजिग्नेट कर दे ऑफिसर को ये जगह के लिए जब सेंसिटिव एरिया है, और हर 3 दिन हफ्ते की एटलीस्ट उनको रिपोर्ट फाइल करे कि क्या हो रहा है, ऐसा निवेदन में लिखा गया है बाकायदा। फिर भी वो सेंसिटिव एरिया के ऊपर ध्यान नहीं है। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भर के हॉकर्स खड़े हुए हैं, ये गलत है। ठोके साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द काम किया जाए, क्योंकि जनता देख रही है। वो एक दिन रेड मारते हैं, अगले दिन फिर वहाँ पे वो लोग खड़े हैं, ये सब जनता देख रही है। जनता आज सोशल मीडिया से काफ़ी अवेयर है, रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जनता को राहत दी जाए। वार्ड अधिकारी के कार्यभार के प्रति सवाल उठाते हुए नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के लीगल मीडिया सेल के अध्यक्ष रैमसन डायस ने भी सवाल उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ टोटल सिस्टम फेलियर हो गया है। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, रोड गाड़ी चलाने के लिए है, तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जो बम्बई की समस्या आज वो नवी मुंबई में दिखने लगी है, हालांकि मुंबई की समस्या अलग है, नवी मुंबई प्लैंड सिटी है। यहाँ मुझे एक ही दिख रहा है कि यहाँ जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो आ रहा है ऑर्कर लोगों का, इसमें नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं पैसा लेके लोगों को बैठा रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि करप्शन है, क्योंकि वो अंधे तो नहीं है। जब हमारी कोई बोर्ड लगाना पड़ता है तो ठोके साहब को हमको परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी बराबर नज़र रहती है बोर्ड पे, मगर जो हॉकर लोग जो खड़े रहते हैं उनके ऊपर नज़र रहती नहीं उनकी। रोज़ रोज़ का नाटक है ये, उनको देखना है कि अब ये बंद करें कि पब्लिक हाथ में अपना का ये अपने एक्शन ले लें। कानून पब्लिक इनके लिए भी होता है, कर्मचारी के लिए, कोई लॉ के ऊपर नहीं रहता है। ठोके साहब को देखना है कि वो अपने ड्यूटी में डिरेलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये इनकी जवाबदारी है म्यूनसिपल कमिश्नर की, कि हर एक वार्ड में उनका जो वार्ड ऑफिसर है नियम से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठोके साहब के भी ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और उनके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके वार्ड में ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अभी बंद होना चाहिए, नहीं तो ये नवी मुंबई को स्मार्ट सिटी होने वाली नहीं है, ये पूरी ये ऐसा होने वाला कि सब जगह पे एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट होने वाला और कर लोगों का, इतना ही कह चाहूँगा मैं। और अन्य लोगों ने भी अपनी राय नवी मुंबई आवाज़ साथ व्यक्त किया है कि वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। मैं सेक्टर 9 का रहीवासी है आणि मी एक भाजपाचा पदाधिकारी पण आहे। वारंवार मी विनंती केल्यानंतर नितीन भाईंनी आम
यांच्यातर्फे निवेदन दिलेलं, तिथला जे स्थानिक वॉर्ड अध्यक्ष आहेत त्यांना, पण त्यावेळी वॉर्ड अध्यक्ष म्हणून वॉर्ड अधिकारी म्हणून त्यांनी जे कार्य केले पाहिजे होतं ते नाही केलं आहे. मुंडे काय असताना जे रस्ते मोकळे मिळत होते तेच रस्ते आज तुम्ही रविवारी जाऊन बघा, वारंवार तिथे फेरीवाले येऊन बसतात. आणि त्या व्यतिरिक्त फेरीवाल्यांची कमतरता म्हणून की काय, ते दुकानदार आपली जी दुकानं आहेत ती बाहेरपर्यंत रस्त्यावर आणलेली आहेत त्यांनी, आणि चालायला रस्ता उरलेला नाही आहे, लोकांना पार्किंगसाठी जागा मिळत नाही आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त तुम्ही जर तुम्ही बघाल, माणसांना चालायला रस्ते कमी पडायला लागले आहेत. ह्या परिस्थितीत तुम्ही तुमचे अधिकारी करतायत काय? तिथे जर तुम्ही ट्रॅफिक बघाल तर ट्रॅफिकची दुरावस्था झालेली आहे. जर रविवारी तुम्ही फिरलात तर ट्रॅफिकमध्ये तुम्हाला अडचणी फार येत आहेत, आणि त्यावेळी तुमचा कोण अधिकारी नाही आहे, तुमच्याकडे ट्रॅफिक पोलीस नाही आहे, तुम्ही स्वतः येणार नाही आहेत, मग तुम्हाला करायचं काय तिथे? म्हणजे तुम्ही तिकडे कुठली दुर्घटना व्हायची तुम्ही वाट बघताय का? फायरच्या समस्या आहेत, म्हणजे तिथे कुठे आग लागली तर तुम्ही काय करणार आहात? आणि ते सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या अधिकाऱ्याला माहिती पाहिजेत. हे अधिकारी काय बसून पगार घेण्यापुरते नाही आहेत, तुम्हाला हे सगळं उठून बसून लोकांच्यामध्ये फिरलं पाहिजे, स्थानिक समस्या तुम्ही जाणून घेतल्या पाहिजे. काय नगरसेवक येऊन सांगणार आहे, काय समाजसेवक येऊन सांगणार आहे तुम्हाला? तुम्हाला स्वतःच्या स्वतः हे स्वतः फिरलं पाहिजे, त्यावेळी यांच्या समस्या कळणार आहेत. तिथे पार्किंगची एवढी दुरावस्था होऊन जाते, फेरीवाले रस्त्यावर बसतात, फेरीवाले फुटपाथवर बसतात, म्हणजे जिथे तिथे फेरीवाले बसतात. म्हणजे एक गाडी अशी असते की तिथे भाजी विकली जाते, गाडीत बसून भाजी विकली जाते. आता तो भाजी विकत असताना चार लोक जमा होणार आहेत तिथे. आता हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे निदर्शनास येत नाही का? तुमचे लागेबांधे आहेत, पैसे घेऊन तुमचं हे सगळं गणित चाललं आहे की काय? मग हे सगळं कधी संपणार? मुंडे येण्याची वाट बघताय की तुम्ही कुठला वरून अधिकारी येणार आणि तुम्हाला सांगणार आहे की हे सगळं करा? हे लवकरात लवकर संपुष्टात आलं पाहिजे, नाहीतर ह्यावरती आम्ही कडक आंदोलन करणार आहोत. व्हिडिओ समीर खान साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट.